सर क्या कहेंगे नॉमिनेशन हो गया सर। हम अमित शाह ने कहा है कि उल्टा लटकाएंगे जो भी हमेशा एक बार फंसे से निकले पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आज फिर से एमएलसी के लिए नामांकन दाखिल करवाने के लिए पहुंची थी। लालू प्रसाद यादव भी उनके साथ थे, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, पूरा जो लालू परिवार है वो उनके साथ था। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, देखिए अंदर से जब तेजस्वी यादव निकल रहे हैं और लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी हैं, मीसा भारती हैं, तेज प्रताप यादव हैं। आज आरजेडी और भाकपा माले के तमाम जो कैंडिडेट उम्मीदवार हैं उन लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। आज आखिरी तिथि है और आखिरी तिथि में तमाम लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी हों, शशि यादव हों और राबड़ी देवी हैं, अफाक अली हैं, ये तमाम जितने भी लोग हैं उन्होंने आज नामांकन दाखिल करवाया है। लालू प्रसाद यादव जब बाहर निकल रहे थे और उनसे जब सवाल पूछा गया है कि आखिरकार आज आप लोगों ने नामांकन दाखिल किया है उस पर क्या कहिएगा, लालू प्रसाद यादव का बयान जो है वो सुनवाएंगे आपको। साथ ही साथ दूसरी बात ये भी है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर थे और जब वो बिहार आए थे तो उन्होंने जो भू माफिया है और बालू माफिया है उनको लटकाने की बात उन्होंने की थी। अब इस बात को लेकर जब लालू प्रसाद यादव से पूछा गया कि उल्टा लटकाने की बात कर रहे हैं अमित शाह, तो लालू यादव ने क्या कुछ कहा है आपको। हाँ सर निकल जाएंगे तो सर नॉमिनेशन हो गया है सर, क्या कहेंगे सर, सबका नॉमिनेशन हो गया है सब कैंडिडेट के साथ सर, नॉमिनेशन सर नॉमिनेशन हो गया सर, आप थोड़ा आने दीजिए आपको बधाई आपको भी बधाई हमको किस हम तो मैडम के लिए हम लोग दे रहे हैं सबको दे रहे हैं। लालू के चारों प्रत्याशी का नॉमिनेशन हो गया है मैडम, मैडम इधर सब कैंडिडेट के साथ साथ नॉमिनेशन चलिए ना भाई, नॉमिनेशन हो गया सर, सर क्या कहेंगे नॉमिनेशन हो गया सर। हम अमित शाह ने कहा है कि उल्टा लटकाएंगे जो भी हमेशा एक बार फंसे से निकले बार बार मैडम प्रचार बने थे बार बार हम इसका प्रचार पे बोल रहे हैं। बार बार हमेशा भ्रष्टाचार को बोल रहे हैं बिहार आपको क्या कहते हैं।